हेलो फ्रेंड्स, आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं ये जानना चाहते हैं और इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट जो आपके मन में भी आता है या आपको सलाह दी जाती है वो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। कैसे इस टेस्ट को करना है, किस तरीके से आप इंटरप्रेट करिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस टेस्ट को करने में कहाँ हम गलतियाँ करते हैं, आज इन तीन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब आपका पीरियड मिस होता है, यानी कि जो भी डेट आप सोच रहे हैं कि इस डेट पे आपका पीरियड आना चाहिए लेकिन उस डेट पे पीरियड नहीं आता है, 7 से 10 दिन ऊपर हो जाते हैं, तो ये टाइम है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट लेने का। और प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आप यूरिन में ले रहे हैं तो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैम्पल, यानी कि उठते हुए जो आप पहली बार बाथरूम जाते हैं उस यूरिन में आप इस टेस्ट को अगर लेंगे तो ये टेस्ट आपका सही सही आपको रिपोर्ट बताएगा, क्योंकि जो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल होता है उसमें वो हार्मोन यानी कि HCG हार्मोन की मात्रा, जिसे हम टेस्ट में चेक करके ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं, उसकी क्वांटिटी जो होती है वो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल में मैक्सिमम होती है। तो इसलिए जब भी आप UPT करना चाहें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल का इस्तेमाल करें। इसके बाद जो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए किट्स हैं, मार्केट में बहुत ब्रांड्स की किट्स अवेलेबल होती हैं, आप किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांड की किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किट खरीदते टाइम आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि इन किट्स को स्टोर करने का एक टेम्परेचर होता है, यानी कि ठंडे में 2 से 8 डिग्री में ये टेम्परेचर पर स्टोर करी जाती हैं, तो ये टेस्ट किट का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो सही होगा, आपको ये रिजल्ट सही देंगे, उसके चांसेस अच्छे रहते हैं। तो आप किसी छोटी मोटी दुकान पे जहाँ पे ये किट्स बहुत लंबे टाइम से सिर्फ बाहर में पड़ी हुई हैं वहाँ से इसे नहीं खरीदेंगे। किसी अच्छी शॉप पे जहाँ पे वो किट्स प्रॉपर तरीके से स्टोर करी गई हैं वहाँ से ही आप इस किट को परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम देखना चाहें तो ये किट का मैंने यूज़ किया है, इस किट के अंदर में ज़्यादातर केसेस में एक स्ट्रिप रहेगी जिसमें हम यूरिन डाल करके ये चेक करेंगे कि प्रेगनेंसी है या नहीं, और यूरिन को डालने के लिए कि किस तरीके से आप डालें, एक ड्रॉपर रहता है, उससे आप यूरिन कंटेनर में से लेंगे और 2 या 3 ड्रॉप का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। तो इस तरीके के किट्स आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। आइए हम लोग प्रैक्टिकली एक टेस्ट करके देखते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये टेस्ट को किया जाता है और कैसे हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को करें और कैसे इसे इंटरप्रेट करें। ज़्यादातर जो भी किट्स आप मार्केट से लेते हैं उसके पीछे में बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरीके से किट का इस्तेमाल करना है और क्या रिजल्ट आने पर आप समझें कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन किट्स के अंदर में एक ये ड्रॉपर रहता है, इस ड्रॉपर का इस्तेमाल करके हम यूरिन ड्रॉप्स कितने हमें डालने हैं किट में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और हर एक किट के अंदर में एक वेल होता है, यानी कि एक गड्ढे के जैसे एक चीज़ बनी रहती है जिसमें हम यूरिन की मात्रा डालेंगे, और उसके बाद एक टेस्ट वेल होता है जहाँ पे ये यूरिन सीप होकर के अंदर में जाएगा और हमें बताएगा कि ये रिज़ल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ड्रॉपर के ज़रिए आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल का इस्तेमाल करेंगे और वेल के अंदर में 3 से 4 ड्रॉप आपको डालनी है, और उसके बाद आपको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट वेट करना है। इस 1.5 से 2 मिनट में ये यूरिन जो है धीरे धीरे सीप हो करके टेस्ट वेल में आएगा, और उसके बाद आपको नोट करना है कि आपका टी मतलब टेस्ट के सामने कोई लाइन डेवलप हो रही है या नहीं, और सी मतलब कंट्रोल। इस तरीके के 2 पैटर्न्स इस किट में डेवलप होते हैं, एक टी यानी कि टेस्ट, सी यानी कि कंट्रोल। तो आप 1.5 से 2 मिनट तक वेट करेंगे, और इस 1.5 से 2 मिनट के अंदर में देखिए जैसे कि इस किट में 2 लाइंस आ चुकी हैं, टी वाली लाइन भी पॉजिटिव है और सी वाली लाइन भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि ये जो यूरिन सैंपल है किसी प्रेग्नेंट लेडी के से है। अगर हमारे टेस्ट किट में आता है कि सिर्फ सी की लाइन यानी कि कंट्रोल की लाइन तो पिंक हो गई है और टेस्ट की लाइन जो है वो ब्लैंक है, वो खाली है, यानी कि यूरिन आपने जैसे डाला उसके बाद आपने 2 मिनट तक वेट किया और उस 2 मिनट में अगर सिर्फ कंट्रोल की लाइन डेवलप हो रही है, टी की लाइन खाली रह रही है, तो मतलब ये प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं।
कभी कभी टेस्ट किट्स जो हैं ये ख़राब होती हैं, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि आपकी कोई भी लाइन 2 मिनट के अंदर में डेवलप नहीं हो, या हो सकता है कि कंट्रोल की लाइन नेगेटिव रहे और सिर्फ टी की लाइन डेवलप हो जाए, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि ये टेस्ट इनवैलिड है। लेकिन जो 2-3 बातें आपको ध्यान रखने की हैं टेस्ट करते टाइम, वो ये है कि आप 3 से 4 ड्रॉप ही यूरिन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आपको टेस्ट इंटरप्रेट करने से कम 1.5-2 मिनट का इंतज़ार करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इमिडिएटली यूरिन डालें और विद इन सेकेंड्स आप बोलें कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कभी कभी थोड़ा सा लेट टेस्ट की लाइन डेवलप होती है, तो ऐसे में अगर आपने वेट नहीं किया है तो आप फॉल्स इंप्रेशन लेके जा सकते हैं कि आपका टेस्ट नेगेटिव है। या कभी कभी अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा का वेट करते हैं तो प्रेगनेंसी ना होते हुए भी टेस्ट की लाइन हल्की पॉजिटिव आ सकती है और हमें इनवैलिड रिजल्ट मिल सकता है। तो सिर्फ 1.5 से 2 मिनट का ही इंतज़ार करें और 3 से 4 ड्रॉप यूरिन की ड्रॉप्स का यूज़ करें। अभी हमने जाना कि किस तरीके से आप घर में ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। ये तो था सिंपल तरीका। कभी कभी ये प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कन्फ्यूजन में भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो टेस्ट की लाइन है वो अच्छी डार्क आ गई थी, लेकिन किसी किसी सैंपल में ऐसा होता है कि आपकी जो टेस्ट टी जो लाइन है वो बहुत हल्की आती है, बहुत फेंट आती है, और ये पता लगाना कि ये टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है पॉसिबल नहीं हो पाता है। या कई बार ऐसा होता है कि आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स बता रही हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी के बाकी लक्षण महसूस हो रहे हैं और आप ये 100% श्योरिटी से जानना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। या कई बार आप पीरियड्स मिस हुए, जस्ट 1 या 2 दिन हुआ है और आप ये समझना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशंस में ब्लड टेस्ट करना, यानी कि ब्लड में बीटा HCG हॉर्मोन्स के लेवल चेक करना, वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है और हमें वो बता सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। लेकिन ब्लड टेस्ट अगर आप करा रहे हैं तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि सिंगल ब्लड टेस्ट कराने से आप सिर्फ ये जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, लेकिन ये पता लगाना कि ये प्रेगनेंसी आगे जा कर के हेल्दी रहेगी या नहीं वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ब्लड टेस्ट में पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है आपको कि आप 48 आवर्स में, यानी कि 48 घंटे में ब्लड टेस्ट को रिपीट करेंगे। अगर 48 घंटे में ब्लड में बीटा HCG की वैल्यू डबल या उससे ज़्यादा हो रही हैं तो चांसेस कि ये प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी जाएगी, वायबल रहेगी, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ये वैल्यू घट रही है 48 घंटे में तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी अंदर ख़राब होना स्टार्ट हो गई है, ये आगे और नहीं बढ़ पाएगी। इसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। कभी कभी क्या होता है कि जो बीटा HCG की वैल्यू है वो 48 घंटे में बढ़ती तो है लेकिन प्रॉपरली डबल नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको बहुत केयरफुली वॉच करना है, क्योंकि ये लक्षण हो सकता है कि शायद ये आगे जाकर के एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या मिसकैरेज में चले जाए। तो ऐसी कंडीशंस में आपके डॉक्टर हो सकते हैं 1-2 बार आपको और ब्लड टेस्ट कराने की या जल्द से जल्द अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दें। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से आप घर में यूरिन टेस्ट करके प्रेगनेंसी के बारे में जान सकते हैं, कब आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, और एंड में बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपने किट किसी भी तरीके से किट में या ब्लड में चेक कर लिया, उसके बाद अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर में एक अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म करना कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर में है, हार्ट बीट उसमें आई है या नहीं, वो हेल्दी है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस एक अर्ली अल्ट्रासाउंड से आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। हालांकि हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स आपको सलाह दें कि जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने से प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है, एक बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट एक अर्ली अल्ट्रासाउंड से आप बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं और एक मेंटली रिलैक्स्ड होकर के भी आप आगे प्रेगनेंसी को लेकर के बढ़ सकते हैं। थैंक यू एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके ऐसे कोई सवाल हैं जिन्हें आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं या जिन्हें मैं पब्लिकली आंसर करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो प्लीज हिचकिचाइए नहीं, जो भी आपके कुछ पर्सनल सवाल जवाब हैं आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं।